वो बात नहीं, तुम्हारा आने का टाइम कितना था? हाँ तो बताना चाहिए ना। ओ इतना भी लेट नहीं किया, लेकिन आधा घंटा लेट किया। सो एक साइड में है चिकन एंड थोड़ा सा वाइट राइस एंड एक साइड में है सब्जी। तो अभी तक सॉल्ट छोड़ा नहीं है, तो मैं जिम में भी लेके जाती हूँ एज अ टिफिन। आई एम गोना गेट बैक सून आफ्टर कंप्लीटिंग दिस। रेडी होंगे फॉर जिम। ओके सो टुडेस वर्कआउट, टुडेस चेस्ट शोल्डर। सो आज मैं ये ब्लैक लेगिंग्स पहनूंगी। आई हैव प्रोबेबली सीन दिस वेडिंग, इट्स फ्रॉम एला। इट्स वो वेस्ट में वो वी शेप्ड एक वो है, टू गिव द आइडिया ऑफ द स्नैच वेस्ट, वन ऑफ माय फेवरेट। सो आई विल वेयर इसके ऊपर। शायद मैं आई एम कंफ्यूज्ड ऑफ व्हाट आई एम गोना वेयर एवर विट। सो मे बी ये मैंने रिसेंटली दो टॉप्स और क्रॉप टॉप्स और जैकेट टाइप का फुल स्लीव मैंने ऑर्डर किया था अर्बनिक से। सो एक है ये वाला, दिस वन, एंड नेक्स्ट वन इज दिस जैकेट। घर में कॉफी नहीं है, तुम आज फ्री नहीं लेगा? ओए नहीं, वर्कआउट नहीं लेगा? सो आफ्टर चेस्ट मैंने शोल्डर एंड ट्राइसेप भी लिख दिया, फिर से चेस्ट के ऑलमोस्ट 4 to 5 एक्सरसाइजेस थे, शोल्डर के भी वही बेसिक से, एंड देन गॉट बैक टू ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स के ऊपर कुछ 3 ही थे, तो एंटायर चेस्ट शोल्डर एंड ट्राइसेप। अभी मेरा पुश पुल लेग वही चल रहा है, तो उसी सिस्टम में किया जा रहा है। एंड मेरे गुरु जी के आदेश थे हर वर्कआउट के बाद फ्लेक्स 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 करो। तो शोल्डर में मैंने स्टार्ट किया था रिवर्स पैक्टिक फ्लाई से मशीन में, देन साइड प्रेस जो मैंने देखा था अपने लास्ट वीडियो में, एंड आफ्टर दैट साइड केबल रेजेस लैटरल रेज, एंड अभी मैंने फ्रंट प्रेस कर। दैट्स ऑल। सो अभी फोकस मसल बिल्डिंग पे उतना है नहीं कि
तीन चार दिन ही रह गए, तो बेसिकली रैप रेंज अभी मेरा हाई है हर एक एक्सरसाइज में। तो ट्राइसेप के मैंने किए थे 3, स्टार्टिंग विद ट्राइसेप डिप्स, फिर एक्सटेंशन एंड देन किकबैक्स। मेरे हर एक एक्सरसाइज का रेंज अराउंड 12 to 15, कभी कभार मोर देन 15 to 18 रेप्स भी होता है, डिपेंडिंग ऑन कितना मैं वेट ले रही हूँ, उठा रही हूँ, वट एवर। सो या टू बी ऑनेस्ट, मेरा ट्राइसेप का हालत बहुत ख़राब था, लाइक कुछ है ही नहीं अभी, तो फिर भी थोड़ा बहुत दिखता है, लाइक ऑनेस्टली थोड़ा बहुत तो दिखता है भाई, कि नहीं है इस बंदी का कुछ तो मतलब है ट्राइसेप। चलो, ऑल थैंक्स टू माय मास्टर जी। और कितना टाइम लगेगा, जल्दी करो। अगर दुनिया में कोई सबसे लेट बंदा हो ना, तो इसी को ही फर्स्ट प्राइज मिलेगा सच्ची में। तो मैंने वर्कआउट पूरा कंप्लीट हुआ, तो कंप्लीट के बाद मैं हमेशा स्ट्रेचिंग करती हूँ, लाइक कभी कभार जब टाइम मिला तभी मैं नहीं करती हूँ, बट ये मेरे बेसिक से स्ट्रेचिंग है, लाइक चाइल्ड पोज, कैट एंड काउ को वही बोलते हैं इंग्लिश में, एंड या वो पीजन वाला पोज फॉर द पेरिफॉर्मिस, मतलब ये 3 तो मैं करूँगी ही, एंड आप सबको भी करनी चाहिए, लाइक बिफोर वर्कआउट एंड आफ्टर वर्कआउट, तो लाइक फॉर श्योर, लाइक उसको मिस नहीं करना, स्ट्रेचिंग बिल्कुल भी मिस नहीं करना भाई, बहुत ज़रूरी होता है मसल फाइबर्स के लिए, रिकवरी के लिए स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी होता है, उसको बिलहदम भी मिस नहीं करना, चाहे कितनी देर ना हो जाए। सो एक एक पोजीशन में आप लोग 8 seconds तक होल्ड करना एंड लाइक स्लो ब्रीथिंग, तो 8 seconds होल्ड करोगे, सांस लोगे 8 बार, तो उसी में हो जाता। तो घर जाते टाइम मेरे साथी को खाना था लिट्टी घी के बगैर, तो मैं बस देखती रह गई एंड उस तरफ नहीं देखने, वो हम लोग का चीज़ नहीं है। झुंझुनी सैंडल बाबा चार नमस्ते ना सर।